ये मेरी पहली पोयम है, हो सकता है उस टाइम पे मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँगा, अभी भी नहीं लिख पाता, पर उम्मीद है कि पसंद आएगी आपको। तो पोयम ऐसे है कि बस में बैठा वो एक मुसाफिर, ना जाने क्यों मुझे अपना सा लगा था, ना जाने उससे बात करने का क्यों मन में एक अरमां सा जगा था। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अलग सी ही बात थी, बातें चार होने पर पता चला उसकी भी मेरे जैसी हालात थी। अपने में रोक कर रखे उसने सारे जज्बात थे, मेरी ही तरह उसके भी कुछ पुराने ख्यालात थे। ना जाने क्यों उससे एक नाता सा महसूस हुआ था, शायद कोई तार उसके दिल का मैंने भी छुआ था। माना उससे बात करना एक सपना सा लगा था, हाँ बड़े दिनों बाद कोई मुझे अपना सा लगा था। बातों का दौर सफर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, उसे अच्छे से जानने का मन मेरा और ज्यादा करता रहा। उसने बताया कि ठेले पे खड़े होकर चाय पीना उसे भी बहुत भाता है, और इतवार का बाजार मेरी तरह उसे भी बहुत लुभाता है। एक बार को तो मुझे लगा कि मैं मुझसे ही मिल रहा था, लगता भी क्यों ना, मेरे मन की सारी बातें कोई और मुझसे ही कर रहा था। बंजर मही पर जैसे ढेर कोई खैमन का सजा था, वैसे ही इस भीड़ में बह अजनबी मुझे कुछ अपना सा लगा था। हमारा संवाद उसके चेहरे पर एक सगुफ्तगी सी लाया था, और मुझे तो यही लग रहा था कि वो मेरे मेहताब का साया था। उसे रेगिस्तान की खामोशी तो पसंद थी, पर समुद्र से न जाने क्या बैरसा था। रात का लम्स भी उसे पसंद था, पर दिन उसके लिए मानो जहर सा था। जिंदगी की शतरंज की बिसात को उसने भी बाखूबी खेला था, खूब लड़ा पर हर प्यादा खोके आज फिर वो अकेला था। ना जाने कब समय गुजरा और उतर गया वह दूर किसी एक गांव में, नाम तक ना पूछ पाया था मैं तो उसका, बैठा हुआ था उसकी ही बातों की छाँव में। आज 2 साल होने को आए, उसका नाम होने सा ना मिला था, मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ वो एक मुसाफिर जो कभी मुझे अपना सा लगा था।